152.57 रुपए पर 15% डिस्काउंट यानी कि छूट है, मतलब कितने रुपए डिस्काउंट है। तो देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर मार्केट में हमारे सामने आते रहते हैं और वहां पर हमें कैलकुलेट करना होता है, इसका हिसाब लगाना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक, अगर डिस्काउंट की कैलकुलेटर ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं कैलकुलेटर ट्रिक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर ट्रिक जानना चाहते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। डिस्काउंट अगर हमें निकालना है रुपए में, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्रीज करनी है। जिस भी अमाउंट का हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है, सबसे पहले हम उसको एंटर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर जितने भी परसेंट है उतने भी परसेंट, उतना डिजिट यहाँ एंटर करने के बाद हम यहाँ पे परसेंट लगा देते। कहने का मतलब जितने भी परसेंट का डिस्काउंट है उसका जो वैल्यू है, जैसे 15 है, तो यहाँ पर 15 एंटर करके परसेंट जैसे ही हम लगाएंगे फटाफट से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे अगर बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर देखिए 15% छूट है, कितने रुपए डिस्काउंट ये हम निकालना चाहते हैं, हम डिस्काउंट के रुपए निकालना चाहते हैं। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एंट्री करते हैं 152.57 जिस पर कि हमको छूट निकालना है। ये एंटर करने के बाद हम यहाँ पर गुणा एंटर करते हैं, इसके बाद अब कितने की छूट है, 15% ही, तो जो भी 15%, 20%, 5%, 2% जो भी छूट है उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हमको रखना है, तो 15% छूट है तो 15। अब कैलकुलेटर में एक बटन होता है परसेंट का, आपको परसेंट का बटन दबाना है। फटाफट से आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है, 22.8855। तो यही है आपका डिस्काउंट के रुपए, ठीक है, मतलब कि इतने रुपए के हमको छूट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब रुपए पैसे वाली बात होती है तो हम हमेशा दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, मतलब कि ये होगा 22.88 रुपए की छूट हो रही है। तो देखिए, ये हमारा छूट का रुपए हमको मिल चुका है और इस तरह से हम आसानी से किसी भी चीज का निकाल सकते। क्या करना होता है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताया गया है, इसको स्टार पॉइंट की तरह आप अपने दिमाग में रखिए और सिर्फ 4 एंट्री आपको कैलकुलेटर में करना है। जो अमाउंट का आपको निकालना है वो एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर छूट के जो वैल्यू है, जितने वैल्यू का 2%, 5%, 20%, 25%, 35%, 50%, 75% जो भी वैल्यू है वो वैल्यू रखेंगे, इसके बाद परसेंट का बटन जैसे ही आप कैलकुलेटर में दबाएंगे फटाफट आपको आपका छूट कैलकुलेटर में मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर एंट्री के लिए आए थे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप समझना चाहते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर भी ना हो, मोबाइल भी ना हो, खाली माइंड से अगर आपको करना है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते। तो माइंड कैलकुलेशंस के लिए आप यहाँ पर टिक सकते हैं, आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, माइंड कैलकुलेशन या माइंड ट्रिक क्या है, चलिए माइंड ट्रिक इसको बोलते हैं, माइंड ट्रिक, ठीक है। तो अब माइंड ट्रिक क्या है और यहाँ पे कौन से स्टार पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी छूट निकालना होता है तो वहां पर छूट के लिए आपको कुछ न कुछ प्रतिशत बताया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 15% की छूट। सेम ऐसे ही आपको कहीं पर भी छूट बताया जाता है तो वहां आपको इस तरह से परसेंट जरूर दिया। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इसका मतलब समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 15 का मतलब 15 और प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 रुपए पर 15। अब अगर इसको हम अगर लिखने की भाषा में, समझने की भाषा में लिखें, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए पर जो छूट हमको मिलेगा वो कितने मिलेगा, वो मिलेगा 15 रुपए की छूट मिलेगी। 100 रुपए पर कितने की छूट मिलेगी, 15 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 100 रुपए पर 15
रुपए की छूट मिल रही है। तो देखिए दुनिया का कोई भी संख्या होता है उसके पीछे दशमलव छिपा होता है। देखिए इस तरह से हम 15 रुपए को, ये 15 रुपए जो है हम इसते हैं 15.00 रुपए। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमेशा ये परसेंट में ही दिया रहेगा, इसका मतलब हमेशा हमें 100 पे ही हमें मिलेगा छूट। अब अगर यहाँ पर कि 10 रुपए पर छूट कितना होगा, 10 रुपए पर कितना छूट हो, तो आप समझिए कि ये दशमलव एक अंक आगे खिसक आए। क्यों? क्योंकि हम देखिए 10 से डिवाइड इधर भी कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 100 में जब 10 से डिवाइड करेंगे 10 दहा में 100, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 रुपए, जिसको कि आप 0 बढ़ाकर 1.50 रुपए भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहां से जैसे ही 0 यहां हटेगा, यहां आपका ये जो दशमलव है ये आगे बढ़ जाता है, तो यहां पर ये हो जाएगा, देखिए यहां पर ये 0.15 रुपए, मतलब कि 15 पैसे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से ये छूट के रुपए आपके आ चुके हैं। और कोई भी अगर आपको इस तरह से अगर आपको परसेंट का छूट दिया हो तो आपको ऐसे ही समझना है। अब यहां पर देखिए, चूंकि इंडिया में क्या होता है, पैसे में तो लेन देन होता नहीं, रुपए में ही होता है। तो देखिए यहां पर आप बड़े ही आसानी से अब इसका पता लगा सकते हैं कैसे। देखिए आपके पास है 152.57 रुपए, तो इसमें हम इस पैसे को छोड़ दे रहे हैं, हम खाली 152 की बात करते हैं। तो 152 कैसे बनेगा, 100 से बनेगा, 50 से बनेगा, 2 से बनेगा। अब देखिए चूंकि ये टेबल हमारे माइंड सेट में बन चुका है कि 15% मतलब 100 रुपए पर 15 रुपए, मतलब कि 10 रुपए पर जब दशमलव आगे आ गया तो 1.50 रुपए और 1 रुपए पर 15 पैसे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो अब बताइए 152 है, चलिए 100 पर छूट कितने हुए, 15 रुपए, जिसको कि हम 15.00 भी लिख सकते। 50 पर छूट कितने हुए, यहाँ पर हुए भाई जब 100 रुपए पर 15 रुपए, तो 50 रुपए पर 15 का आधा 7.5 रुपए, 7.50 रुपए। और 2 रुपए पर, तो देखिए यहाँ पर 1 रुपए पर 15 पैसे की छूट है, तो 2 रुपए पर 30 पैसे की छूट होगी। अब आप तीनों को जोड़ सकते हैं, तो देखिए 15.07 रुपए 80 पैसे, ये आप माइंड में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना ही डिफरेंस कम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी पैसे को ना ले छोड़ दें, तो देखिए 22 रुपए आपके छूट होते हैं। अगर इतने में से हम 22 रुपए घटा दें तो हमारा जो एक्चुअल हमें पेड करना होगा वो कितना पेड करना होगा, ओनली 130 रुपए, केवल 130 रुपए हमें देना है छूट काटने के बाद, अगर हम पैसे को नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में भी हम चाहे तो कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर एंट्री से भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। आपके मन में भी ऐसी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।